उच्च शिक्षा में बेहतर स्थान पाने का सपना संजोने वाले सुजानपुर क्षेत्र में बच्चों को अब कोचिंग के लिए कोटा, चंडीगढ़ आदि क्षेत्रों में जाने की जरूरत से छुटकारा मिल जाएगा। सुजानपुर में गंतव्य एकेडमी का शुभारंभ केक काटकर किया गया। इस मौके पर व्यापार मंडल के प्रधान शैलेंद्र गुप्ता भी मौजूद रहे। गंतव्य अकादमी के प्रबंधक निदेशक दिनेश गुप्ता ने बताया कि अकादमी का मुख्य उद्देश्य बच्चों को घोड़द्वार पर गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के साथ साथ उनको आने वाले समय के अनुरूप शिक्षा प्रदान करना है। उन्होंने बताया कि सुजानपुर के बच्चों में प्रतिभा की कमी नहीं है, परंतु उच्च शिक्षा की प्रतिस्पर्धा में सही कोचिंग नहीं मिल पा रही है। इसी को पूरा करने के लिए अकादमी को खोलने का निर्णय लिया है। बहुत खुशी की बात है कि आज गंतव्य एकेडमी का उद्घाटन हुआ है। मैं इसके लिए आप सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूं और मुझे पूरी आशा है कि आपका जो इंस्टीट्यूट है, आपकी जो एकेडमी है, वो दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेगी। लेकिन मेरा एक आपको सुझाव रहेगा कि आप क्वालिटेटिव एजुकेशन दें बच्चों को। आपको बच्चे अभी आएँ, कम आएँ, दो आएँ, चार आएँ, लेकिन जब आप क्वालिटेटिव एजुकेशन देंगे बच्चे को, तो डेफिनेटली बच्चे जो हैं इनफ्लॉक्स आपके पास आएंगे। बिकॉज ये कहावत आती है इंग्लिश में, एक्शंस दे स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। हमेशा एक्शन जो है उन्हीं का ही जो है वो पूजा होती है। बाकी हर कोई बोलता है कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन आपके एक्शन जो है वो आपको ज़्यादा रिवार्ड लाएंगे। मैं एक बार अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूं सबको और आशा करता हूं ये इंस्टीट्यूट जो है वो बहुत जल्दी अपनी शिक्षाओं को, अपनी जो ये मैक्सिमम जो इनकी डायरेक्शन है उनको ये टच करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं व्यापार मंडल के प्रधान शैलेंद्र गुप्ता ने बताया कि सुजानपुर क्षेत्र में काफी लंबे समय से अच्छे कोचिंग सेंटर की कमी देखी जा रही थी, जिसे गंतव्य ने पूरा किया है। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि यह अकेडमी छात्रों के भविष्य संवारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। गंतव्य, सबसे पहले मैं गंतव्य अकादमी के प्रबंधकों को और इसके अध्यापकों को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने सुजानपुर की एक चिरकालीन मांग थी कि यहाँ के नौजवानों को, बच्चों को जो उच्चतर शिक्षा कोचिंग क्लासेस के लिए चंडीगढ़ और दूसरे स्थानों पर जाना पड़ता था, उन्हें अब घर बैठे सुजानपुर में सुविधा प्रबंधकों ने दी है। इसके लिए हम इन्हें धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने इस इंस्टीट्यूट को यहाँ पर खोला है और हम आशा करते हैं कि ये एक उच्चतर शिक्षा को और आगे ले जाएंगे ताकि हमारे बच्चों का भविष्य और निखर कर सामने आए।